हाय फ्रेंड्स, माय नेम मोहम्मद साकिब एंड यू आर वाचिंग टेक के साकिब यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि जो फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड बढ़ता चला जा रहा है इंटरनेट पे, जैसे जैसे बहुत ही ज़्यादा यूज़र बढ़ते जा रहे हैं वैसे इंटरनेट पे बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड लोग आ गए हैं। हाल ही में जो फ्रेंड्स KBC चालू हुआ उसमें बहुत सारे फ्रॉड चालू हो गए हैं, और उसके बाद व्हाट्सएप पे बहुत ऐसे फ्रॉड चालू हो गए। मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप इन लोगों से बचिए। सो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ जो व्हाट्सएप पे मैसेज फैल रहे हैं कि क्या अपने व्हाट्सएप ग्रुप को रजिस्टर करना पड़ेगा। क्या सरकार की तरफ से आदेश आया है कि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को रजिस्टर कर लीजिए। एंड उसके बाद मैं दूसरे जो टॉपिक पर बात कर रहा हूँ वो ये बात कर रहा हूँ क्या KBC से आप जरूर करोड़पति लखपति बन सकते हैं। ये सब हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलते हैं, सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं कि व्हाट्सएप ग्रुप क्या आपको रजिस्टर करवाना पड़ेगा या नहीं। जी हां फ्रेंड्स, आपको अपना व्हाट्सएप ग्रुप जो आप चलाते हैं उसको आपको करवाना भी पड़ सकता है ना भी करवाना पड़ सकता है। मीन्स मैं आपको बता देता हूँ, जैसे अगर आप एक जर्नलिस्ट हैं यानी कि आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ होता है, यू नो आपके बहुत ऐसे चीज़ होते हैं, बहुत ऐसे डॉक्यूमेंट होते हैं जो आपको शेयर नहीं करना है, दूसरे के साथ शेयर नहीं करना, तो आपको क्या करना है, आपके व्हाट्सएप ग्रुप को सरकार ने ये कहा है कि आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप को रजिस्टर जरूर करवा लीजिए। और फ्रेंड्स, ये तीन ही देश में हुआ है, जैसे लखनऊ में हुआ है, लखनऊ उत्तर प्रदेश में यहाँ पर हुआ था, और दो ऐसे देश है जो कि आप नाम दे सकते हैं यहाँ पर, तो ऐसे तीन देश में ही हुआ है फ्रेंड्स। और हर एक जगह फ्री है, आप व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए एंड उसके बाद उसमें कुछ भी पोस्ट कीजिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है सरकार को। तो ये जो खबर है फ्रेंड्स झूठ है फ्रेंड्स कि आपको व्हाट्सएप ग्रुप को रजिस्टर कराना पड़ेगा। हाँ, रजिस्टर कराना पड़ेगा, सिर्फ आपको अगर आप जर्नलिस्ट हैं तभी आपको व्हाट्सएप ग्रुप को रजिस्टर कराना पड़ेगा, वो भी अगर आप लखनऊ के या फिर जो तीन प्रदेश हैं ये जैसे कि स्क्रीन पर आप देख रहे हैं यहाँ के रहने वाले हैं और जर्नलिस्ट हैं तभी आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप को रजिस्टर कराना पड़ेगा, नहीं तो आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप को रजिस्टर नहीं कराना पड़ेगा। दूसरी जो टॉपिक है फ्रेंड्स वो यह है कि फ्रेंड्स KBC कॉल कर रहे हैं, उसके बाद आपको कहेंगे कि सर आप सिलेक्ट हो गए हैं KBC में और उसके बाद आप लखपति बन चुके हैं और आप अपना अकाउंट नंबर हमें दे दीजिए और आप कहाँ के रहने वाले हैं और मतलब आपकी इन्फॉर्मेशन लेते हैं एंड उसके बाद कहते हैं कि मैं आप इतना पैसे कमा चुके हैं, अकाउंट नंबर लेते हैं, उसके बाद कहते हैं कि आपके खाता में इतने पैसे आपको डाल दिया जाएगा, मतलब वो आपकी इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं कॉल के थ्रू। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि कोई भी कॉल आए, अननोन कॉल आए, आप उसको रिसीव मत कीजिए, कभी भी अपने इन्फॉर्मेशन किसी के कॉल पर मत दीजिए, कभी भी अपना इन्फॉर्मेशन जो है लाइक आप कहाँ रहते हैं, आपका नाम क्या है एंड आपका अकाउंट नंबर क्या है, ATM नंबर, ये सब जो है आप कभी भी कॉल पर मत दीजिए। कोई भी आपसे कॉल पे मांगे कि आपका ATM नंबर या फिर आधार कार्ड नंबर कोई भी मांगे आप उसको कभी भी मत दीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स इंटरनेट जैसे बढ़ता चला जा रहा है, इंटरनेट बहुत आगे की तरफ जैसे चलता जा रहा है वैसे फ्रॉड लोग बहुत ही होशियार हो गए, बढ़ चुका है स्कैम, बढ़ चुका है, तो आप बच के रहिए। इसमें वही लोग फंसते हैं जिनको नॉलेज नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे अब यूथ जो हैं वो इंटरनेट को जब से जियो आए बहुत यूथ ऐसे हैं जो इंटरनेट चलाना चालू कर दिए हैं और उनको इंटरनेट के बारे में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, वही लोग इसमें फंसते हैं। और जैसे आप लोग हैं आपको इंटरनेट के बारे में इतना नॉलेज है, आप लोग नहीं फंसते, आप लोग क्योंकि जानते हैं, आप लोग इंटरनेट से कनेक्ट हैं, आप लोग अपडेट हैं, इसलिए आप इन सब झांसे में नहीं फंसते। फंसते वही लोग हैं जो इंटरनेट से के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं रखते हैं, वैसे अपने सिर्फ फेसबुक व्हाट्सएप चलाना जानते हैं और उसके बाद उनको कुछ आता जाता नहीं है। तो आप उन फ्रेंड के साथ यह वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि वो स्कैम से बच जाए, किसी के भी कॉल आने पर वो अपनी इन्फॉर्मेशन को ना दे। तो फ्रेंड्स, हमने आपको इस वीडियो में बताया क्या आपको व्हाट्सएप ग्रुप को रजिस्टर कराना है या नहीं, ये आपको बताया, नहीं कराना है आपको रजिस्ट्रेशन अपने व्हाट्सएप ग्रुप को, हम जैसे नॉर्मल लोग को व्हाट्सएप ग्रुप को रजिस्टर नहीं कराना है। एंड उसके बाद हमने आपको बताया KBC के फ्रॉड के बारे में, KBC फ्रॉड के बारे में यानी कि कोई भी कॉल आपके पास आए आपको अपना इन्फॉर्मेशन
नहीं देना है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको यह वीडियो जरूर पसंद आया। अगर इस वीडियो से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन हो आप हमें कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। अगर आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बिकॉज मैं इस चैनल पर आपको हैकिंग से रिलेटेड एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक, एप्स, रिव्यू, बहुत सारी नॉलेज आपके साथ शेयर करता रहता हूँ। मैं आपको बता दूँ, अगर आप हमारे पुराने सब्सक्राइबर हैं, आपके लिए बहुत ही अच्छे अच्छे टॉपिक ऊपर वीडियो आ रही है फ्रेंड्स, आने वाली है। और आप देख रहे हैं कि अब मैं वीडियो जो रुख है वो थोड़ा धीरे धीरे चेंज कर रहा हूँ, हर एक टॉपिक कवर करने की कोशिश कर रहा हूँ। सो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दीजिए, बिकॉज इससे मोटिवेशन मिलता है, एंड चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। सो आज के वीडियो में बस इतना है, अब मिलेंगे हम आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए